आवाज आ रही है? यस सर। इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ का क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, अब देखो R1 by R2, या R1 अगर इनिशियल रेसिस्टेंस अगर तुम देखते हो, इनिशियल रेसिस्टेंस R1 कितना होगा? Rho L by A1, ये होगा ना, जो भी R1 होता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Rho into L by A। वैसे अगर R2 लिखोगे तो कितना होगा, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट विल बी Rho into L1 divided by pi R1 square, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट R2, रो तो सेम रहेगा लेकिन लेंथ चेंज होगा, L2 divided by A2, सो इट विल बी Rho L2 divided by pi R2 square। ये दिखेगा, ये तुम्हारा वन, ये क्वेश्चन नंबर टू। जरूरत पड़ेगी तो कौन है लिख देना, L1 by L2 बराबर R2 by R1 के होल स्क्वायर। हो गया, अगर इन दोनों का रेशियो लोगे, R2 by R1 अगर इसका रेशियो ले रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, L1 divided by L2, क्योंकि रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, L2 divided by L1 होगा। अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहे हो तो ये नीचे जाएगा, पाई पाई कटेगा, रो रो कटेगा, L1 by L2 बचेगा, और साथ ही साथ अगर रेडियस का कंपैरिजन करोगे तो इट विल बी R1 by R2 का होल स्क्वायर होगा। ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसका रेडियस, इसका रेशियो ले ले रहे हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब लेंथ का इफेक्ट हम देख रहे हैं ना, लेंथ का इफेक्ट देख रहे हैं तो रेडियस को किससे रिप्लेस कर देंगे, लेंथ से। जब भी लेंथ का इफेक्ट देख रहे हैं तो रेडियस को, क्योंकि ये जो तुम्हारा है ना जनरल फॉर्मूला है, दिस इज योर व्हाट, जनरल फॉर्मूला। जनरल कहने का मतलब ये है कि रेडियस चेंज करोगे तो लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज करोगे रेडियस चेंज होगा, उसका डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधे दे दिया लेंथ इज इंक्रीज बाय 2 times, तो क्यों निकालेंगे रेडियस का इफेक्ट, हम सीधे इसी फॉर्म, एक ही फॉर्मूला बना दे जिससे कैलकुलेट कर ले इजीली। तो अब यहां से उठा करके देखो, R2 by R1 किसके बराबर है, L1 by L2 होता है, उसका उल्टा करोगे सो क्या हो जाएगा, इसको अगर नाम दे दे रहे एम, फ्रॉम एम क्या लिख सकते हो, R2 by R1 किसके बराबर होगा, यहां पुट, ये तो सेम है L2 by L1, बट इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह भी लिख सकते हो L2 by L1। क्लियर है? अब फाइनली तुम्हें क्या दिखेगा, R2 by R1 बराबर होगा L2 by L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्ट्रेचिंग करोगे, लेंथ को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा, रेसिस्टेंस 4 times बढ़ जाएगा। लेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हो स्ट्रेच करके तो जो रेसिस्टेंस होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 times इंक्रीज हो जाएगा, क्या दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी, इफेक्ट ऑफ रेडियस। ये सब करने की जरूरत है नहीं। अब यहां से इफेक्ट ऑफ रेडियस देखना है तो लेंथ को हटाना पड़ेगा, लेंथ को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, इसी जनरल फॉर्मूला में वो उठा करके पुट करते हैं, फ्रॉम एम एंड जनरल फॉर्मूला। अगर उन दोनों को यूज करोगे, R2 by R1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ L2 by L1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 by R2 का होल स्क्वायर इसके जगह पे आएगा। अब पहले से R1 by R2 का होल स्क्वायर बैठा हुआ है तो दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, L2 by L1 की जगह रखेंगे R1 by R2 का होल स्क्वायर
और पहले से आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर बैठा हुआ है। हो गया। सो फाइनल फॉर्मूला यहां से जो आएगा आर टू बाई आर वन, इट विल बी आर वन बाई आर टू का पावर फोर। यह है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग जब रेडियस का चेंज तुमको दिया हुआ। अगर रेडियस ट्वाइस कर दोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। रेडियस को अगर ट्वाइस करें तो देखो ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ट्वाइस करोगे नीचे आ जाएगा, तो टू का वन बाई टू का पावर फोर यानी वन बाई सिक्सटीन, यानी वो घटेगा कितने से, 64 टाइम से, 16 टाइम से, टू का पावर फोर है ना, हाँ तो 16 टाइम्स निकला। नेक्स्ट सेटिंग लिखो, दैट इज नोट में ही लिख लो, नोट में ही लिख लो, दैट नेक्स्ट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। नोट में वन क्या लिखोगे, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। नंबर टू, स्ट्रेचिंग के टाइम में, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर फोर। ठीक है, थर्ड लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज गिवन। कभी कभी इससे परसेंटेज के भी फॉर्म में पूछ देता है, तुमसे एक्चुअल फॉर्म नहीं पूछेगा, एक्चुअल कितना होगा वो नहीं पूछेगा, तुमसे पूछ देगा कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। परसेंटेज चेंज कहने का मतलब है, परसेंटेज चेंज कहने का मतलब है आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन, इसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या दे देगा, डेल्टा आर परसेंटेज। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज रेसिस्टेंस में कितना हुआ इफ लेंथ इज गिवन, लेंथ के फॉर्म में। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज गिवन, तो क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आर टू बाई आर वन, इसको लिख सकते हैं माइनस वन होगा इंटू हंड्रेड, यही करना। और आर टू बाई आर वन हमने जस्ट देखा, आर टू बाई आर वन कितना, एल टू बाई L1 का होल स्क्वायर माइनस वन, इस तरीके का इंटू हंड्रेड। अबे ये लिखना नहीं, ये मत लिखना, जो मेन चीज है इधर लिखा देंगे। देखो इसमें होता क्या है कि परसेंटेज चेंज बहुत ही कम हो, जो चेंज हो ना वो बहुत कम हो, मतलब इफ डेल्टा L परसेंटेज इज लेस देन फाइव या लेस देन टेन तक जा सकते हो। अगर डेल्टा एल परसेंटेज इज लेस देन 10% तो हमारे पास जो डेल्टा आर परसेंटेज आएगा इट विल बी सिंपली 20%, या मतलब जैसे है इसको लिख सकते हो 2 इंटू डेल्टा एल परसेंटेज। ठीक है, डेल्टा आर परसेंटेज जो होगा, सिनेरियो क्या होना चाहिए, 10 से कम वाले पे यूज कर सकते हैं, 10 से ज्यादा वाले पे यूज नहीं कर सकते हो। जब भी तुम्हारे पास लेंथ जो है, लेंथ का परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, 10% से कम हो रहा है। ठीक है, तो जो एरर वाला कंडीशन था ना, एरर में हम यूज करते थे ना,
कि जो पावर होता है वो कहाँ उठ के आ जाता है, हाँ पावर से मल्टीप्लाई होता है, सेम चीज इसमें भी कर दे रहे हैं क्योंकि लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज लिख सकते हो, आ रही बात समझ में। तो इसमें ए में लिखेंगे इफ डेल्टा एल परसेंट इज लेस देन 10, 10 से कम है, तो इस केस में देन डेल्टा एल या डेल्टा आर परसेंटेज इज इक्वल टू 2 into delta L percentage। जैसे अगर 5% का चेंज हो रहा है तो रेसिस्टेंस में कितने का चेंज होगा, 10% का, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8% का चेंज दिया हुआ है तो 16%। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में 20% का चेंज दे दिया, ठीक है, हाँ 20% का चेंज कर, तो यहां से कैलकुलेट करके अगेन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत, फॉर्मूला लिखा देंगे। 20% का चेंज हुआ तो इसको यूज करोगे ना, 20% का अगर चेंज हो रहा है और तुमने क्या कर दिया, इस चीज को यूज कर दिया, तो फिर तुम्हारा आंसर कितना होना था, 40%, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल होगा, तुम टिक कर दोगे, नंबर कितना मिलेगा, -5, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 44%, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, 44%। तो इसमें करना क्या होता है समझो, इसमें क्या करेंगे, जो तुम सोच रहे हो ना 2 इंटू डेल्टा एक्स कर रहे हो, डेल्टा एल परसेंटेज कर रहे हो, लेकिन ये गलती कर रहा है, क्यों, क्योंकि 4% तुम पीछे रह गए, तो इसमें प्लस करते हैं डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं, चेंज जो दिया था वो कितने का दिया था, जो भी चेंज है वो कितने का दिया हुआ है, 20% का, तो फिर कैलकुलेट करेंगे ये के लिए, एक बार चेक कर लें तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, 22 into 40 प्लस यहां करोगे तो डेल्टा 400 by 100, सो ये कितना बचेगा, इधर से, सॉरी इधर 20 था ना, तो इधर से आया 40 और इधर से क्या आया 4, दोनों ऐड होकर के क्या कर देगा 44। ये सारा जो चीज लिख रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा था ना कि यहाँ से आएगा, वहां से एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मतलब बी में क्या याद रखोगे, इफ डेल्टा एल परसेंटेज इज ग्रेटर देन 10%, डेल्टा एल परसेंटेज क्या हो गया, 10% से अगर ज्यादा हो गया, 10% से कम के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 10% से ज्यादा या 10% के बराबर दिया हुआ, तो फिर जो तुम्हारा आंसर होगा वो कैसे निकालोगे, देन डेल्टा आर परसेंटेज विल बी 2 into डेल्टा एल परसेंट प्लस डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, यहां से तुम्हारा आंसर आएगा, 10% रख के देखो क्या आ रहा है, अगर 10% यहाँ रख रहे हो, 20 प्लस इधर रखोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी यहाँ से कितना आएगा, 21%। जब 10 से नीचे जाते हैं ना, तो ये जो इफेक्ट होता है बहुत कम हो जाता है, जैसे मान लो अगर 9 होता तो कितना हो जाता, 81 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.81 आता, और प्लस जो भी तुम्हारा होता 18, तो ये जो वैल्यू है ना, एक 1 से कम हो जाती है तो ऑलमोस्ट उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जब भी 10 से कम होगा ये छाप देना, 10 से ज्यादा होगा ये याद रखना। चलो तो कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, वैसे ही अगर रेडियस का देता तो क्या करते, 4 times या 1/4, पावर क्या 4 ही है, तो 4 टाइम्स से रिड्यूस होगा, अगर रेडियस को 4 टाइम्स से इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स से परसेंटेजली पावर, वो तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई होता है ना वहां पे जाकर के, तो पावर मल्टीप्लाई पे रेसिस्टेंस, ये रेडियस से रिलेटेड ज्यादा पूछता नहीं है, जब भी उसको पूछना होता है तो लेंथ से रिलेट करके पूछता है, क्योंकि एक तो पावर 4 है मल्टीप्लाई करोगे, और अगर बहुत ज्यादा चेंज दे दिया तो फिर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर टू द पावर 4 बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लें तो पहले दिया है कि नहीं,
ये सही सवाल है, लिखना। लिखो, द टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्ट्रेट वायर, इन ए स्ट्रेट वायर, इन ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर, ऑफ लेंथ 1000 मीटर, मीटर कैरिंग अ करेंट, कैरिंग अ करेंट, कैरिंग अ करेंट ऑफ 70 एम्पियर, कैरिंग अ करेंट ऑफ 70 एम्पियर विल बी डैश। तुमसे टोटल मोमेंटम पूछ रहा है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, कौन से इलेक्ट्रॉन? हाँ, जिसके चलते करंट आ रहा है। तो सोचो कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन, क्या क्या कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट करो ना यार, क्या दिक्कत आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन जो है ना उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। एक जो ऑप्शन है वो 0.4 है, एक ऑप्शन 0.8, एक ऑप्शन 0.2, एक ऑप्शन 0.16 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसको इजिली कर सकते हो। टेनेस टू पावर 0.2, नहीं यार 0.2 लिए हो या इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हो, थोड़ा सा गलती है, चेक कर लो उसको, बातें नहीं कर, अरे क्या डिस्कशन करने लगे। अप्रोक्सीमेटली 0.4 माइक्रो कहा गया, 0.4 माइक्रो आएगा, 0.4 माइक्रो न्यूटन सेकंड। हाँ ये जो बोन कौन इतना बात कर रहा है, क्या टॉपिक है तुम दोनों के बाद का, क्या बातें कर रहे हो?
मास्क के पीछे छुपा कर बोलो तो क्या बात कर रहे हो, जॉब बताई गई, तुम सुने हो क्या बात कर रहे हो? अरे तुम पीछे मुड़ के क्या कर रहे थे? तुम देखो पीछे मुड़ा भी बेचारा सुन भी नहीं पाया। देखो इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसके पास जो मोमेंटम होगा कितना होगा, m इंटू वी डी। एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी डी। लेकिन जो टोटल मोमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो कितना है, कैपिटल n। जो वायर है पूरा उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, उसका लेंथ दिया है तुमको कितना, 1000 मीटर। और इसमें करंट जो है I, इट इज व्हाट, 70 एम्पियर। अब जो भी करंट आ रहा होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चलते आएगा या सारे इलेक्ट्रॉन के चलते आएगा जो इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, सबके चलते। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा, कैपिटल एन, इसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया अगर ए होता, ठीक है। सो ये देगा तुमको टोटल मोमेंटम, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और ये जो हाँ जो एन होगा, कैपिटल एन होगा, इसको क्या लिख सकते हो, एन स्मॉल एन, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे एरिया इनटू लेंथ से तो क्या दे देगा तुमको, कैपिटल एन दे देगा। और नेक्स्ट मास इनटू वीडी। अब तुमको वीडी का फॉर्मूला पता, वीडी का फॉर्मूला क्या है, वीडी और आई का रिलेशन। वीडी क्या होता है, आई इज इक्वल टू एंड आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है ना, तो इसलिए आई तुमको दे दिया ताकि बी डी सीधे उठा करके आप पुट कर दो। तो ये तुम्हारा इक्वेशन वन है मोमेंटम, और ये इक्वेशन क्या है, टू है। यहाँ से बी डी उठा करके उसमें पुट करोगे, सो पी विल बी एन इन टू ए एल और एम बी डी। बी डी की जगह क्या पुट कर दे, बी डी की जगह पुट करेंगे आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, क्या क्या जाएगा, ए चला गया, एन से एन चला गया, बचा P इज इक्वल टू एम आई एल डिवाइडेड बाई पी। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, मास में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मास रट लोगे कितना, 9 × 9.1 × 10⁻¹। और देखो एक बार ऑप्शन देख लेना, तो 9.1 रखने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑप्शन चेक कर लो कि कितना आसपास है, 9.1 से कितना फर्क पड़ेगा, तो सीधे 9 ही रख दो, 9 × 10⁻³। करंट कितना दिया, लेंथ डिवाइडेड बाई -19, बस यही करना। इससे सिंपलीफाई करोगे तो कितना बार में जाएगा, 10⁻¹-12, 1, 2, 3, 4 0, तो इन सबको हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -8। बचा क्या तुम्हारे पास, 9 × 7 1.6 × 10⁻¹, इसको भी हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -7। इसको सिंपलीफाई करना, कर पाओगे इसको, 9 × 4 आएगा ना, 9 × 7 = 63, डिवाइड करोगे 4 16 से तो 0.4 × 10⁻⁶ एन एस, ठीक है। लिखना नेक्स्ट हो गया ना, एक और लिख लो, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, the potential drop across a wire of cross section area, wire of cross section area 10⁻³-3 cm², the potential difference across a wire of cross section area 10⁻³-3 cm² and length 50 cm, and length 50 cm, and length 50 cm is
2 वोल्ट फुल स्टॉप. इफ इट इज कैरिंग अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर इफ इट इज कैरिंग अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ऐसे कैलकुलेट ए में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Inside the wire, P current density and C resistivity of the metal. C resistivity से बढ़िया conductivity दोनों same ही थे. Conductivity of the कोई एक निकालोगे दूसरा निकल जाए. Conductivity of the conductor. मॉड्यूल कर रहे हो ना सब कोई. नेक्स्ट टेस्ट कब है तुम्हारा? कंडक्टिविटी कितना? 10^7 नहीं है. कंडक्टिविटी 10^5 के टर्म में है. उसके पहले का कैलकुलेशन करे हो. जे निकाले तो जे निकालने से पहले कंडक्टिविटी कैसे निकाल दिया? ई निकालो जे निकालो फिर वहां से सीधे कंडक्टिविटी आ जाएगा. एक लेसन था ना जे सिग्मा ई का. यहां से इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमसे ये भी पूछ सकता था कि सीधे कंडक्टिविटी बताओ. अब कंडक्टिविटी जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे कैसे निकलेगा उसका आइडिया देने के लिए ये ऊपर वाला दो चीज तुमको दिया हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड 10^6 के टर्म में होगा. 10^2 अगर जो आंसर है ना किसके लिए ये बताओ पहले. कंडक्टिविटी के लिए. कंडक्टिविटी जो है 6.25 × 10^5 और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? महो पर मीटर. चलो देखते हैं क्या करना. पहले वाले में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और दिया क्या क्या पहले ये देखो. तुमको क्या क्या दिया हुआ है? तुमको दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस साथ ही साथ लेंथ एरिया और करंट ये सब दे करके रखा है. तो पता है ना कि अगर ई का मैग्नीट्यूड तुमको चाहिए तो इट इज सिंपली डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स. ई क्या होता है? ई होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स. अगर वायर देखोगे ये तुम्हारा वायर था इसका लेंथ तुम्हें दे के रखा
और इन दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी उसकी वैल्यू दे के रखा है कितना है, 2 वोल्ट। तो पुट कर दो यहाँ पे, ई जो होगा ये ए के लिए ई विल बी वॉट, डेल्टा वी 2 डिवाइडेड बाई लेंथ, डेल्टा एक्स की जगह क्या होगा लेंथ होगा, लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, उसको पुट किस में करोगे मीटर में, तो 50 into ऊपर 100 कर दो, ठीक है सिंप्लीफाई करोगे तो ई विल बी कितना हो जाएगा 4। यूनिट बताओ क्या रखेंगे, अरे वोल्ट पर मीटर, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वोल्ट पर मीटर, ये कैलकुलेट करना था। दूसरा वाला तो इससे भी आसान है, दूसरा वाला क्या पूछ रहा है करंट डेंसिटी, भैया करंट डेंसिटी जे जो होता है वो होता है आई बाई ए, क्या नहीं गिवन है तुमको क्वेश्चन में बताओ, करंट तो दे ही दिया है और साथ ही साथ सीधे क्रॉस सेक्शन एरिया ही बता दिया है, रेडियस नहीं बताया कि बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तो क्या बता दिया, तो 0.25 डिवाइडेड बाई एरिया, कितना दिया हुआ एरिया -3 सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट किसमें करोगे मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आएगा, हाँ वो मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 2.5 × 10^6 यूनिट का रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है किताब में कैलकुलेशन गलती करे क्या यार, सिग्मा कहाँ देखते हैं, चलो क्या पता एक बार चेक कर लेते हैं। और थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाले के लिए एक फॉर्मूला पड़ेगा, हाँ जे कितना होता है सिग्मा इंटू ई, जे क्या होता है सिग्मा इंटू ई होता है, जे तुम्हारे पास है ई तुम्हारे पास है, सिग्मा निकलेगा सो सिग्मा विल बी व्हाट, सी के केस में सिग्मा विल बी जे बाई ई, जे तुमने अभी जस्ट कैलकुलेट करा कितना है 2.5 × 10^6 / 4, इसको 25 कर दो, एक जीरो यहां से उठा करके दे दोगे तो 25 हो जाएगा, 25 / 4 कितना होता है 6.25 × 10^5, यूनिट क्या होगा सिग्मा का उधर लिखा हुआ देखो 6.25 × 10^5 महो पर, क्लियर है, एक और करो, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इज 3.15 ओम, इज 3.15 ओम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 3.75 ओम, 3.75 ओम स्टॉप, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर at 0 degree Celsius,
0.0025 दिया हुआ, एक बार चेक कर लो। वन बाई 420, हाँ ठीक है, उस तरीके करके देखो अगर 1/420 कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो 1/420 कितना होगा। हाँ 0.0023 अगर इसके आसपास आ रहा तो ठीक है, तो इसको रख सकते हो डायरेक्टली। यूनिट क्या होगा इसका? हाँ और केल्विन इनवर्स भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई होता है, चेंज से मल्टीप्लाई होता है। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनना चाहिए, फिर वहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्या करूंगा, लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस इज आर नोट जो तुमको कैलकुलेट करना, एंड कोफिशियंट जो है इज अल्फा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है आर नोट है, उसका जो कोफिशियंट है वो कितना है, अल्फा, ये दोनों तुमको कैलकुलेट करना है। सो आर वन कैलकुलेट करोगे, आर वन कितना होता है, या आर टी, आर टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 प्लस अल्फा T1, क्योंकि सारी चीजें हम कहां से रेफरेंस ले रहे हैं, जीरो से ले रहे हैं, तो जीरो से लोगे ना तो T1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, T1 ही हो जाएगा। सो टेम्परेचर पे पुट करोगे तो RT का वैल्यू कितना दिया, 3.15, आर नॉट तुम्हें पता नहीं है, 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर कितना 20 आ रहा है, तो दूसरे के लिए कितना 3.75 आर नॉट, 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर, इन दोनों का रेशियो ले लोगे, आर नॉट कट जाएगा, दोनों का अगर रेशियो ले रहे हो आर नॉट गायब हो जाएगा, क्योंकि तो रेशियो लोगे ये कट जाएगा, अल्फा कैलकुलेट करना है तो ये बचा रह जाएगा, तो 315/375 कितने के बराबर होगा, 1 प्लस 20 अल्फा/1 प्लस 100 अल्फा ये होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना बार में जाएगा ये 5 से अगर डिवाइड करते हो कितना बार में जाएगा, 6 और 3 ये कितना बार में जाएगा, 7 3 7 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 63 प्लस 6300 अल्फा बराबर किसके होगा, और भी हो जाए क्या, हाँ 3 से एक बार और कर सकते हो तो 21 और 25, हाँ तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा ये, इसको करोगे तो 21 प्लस 2100 अल्फा बराबर किससे होगा, 25 प्लस 500 अल्फा। अब इसको अरेंज कर लो, इसको इधर ले जाओगे कितना होगा, 1600 अल्फा बराबर किससे होगा, इसको इधर लाओगे तो 4, सो अल्फा विल बी 1/400, ठीक है, और 1/400 करोगे 0.0025 पर डिग्री। अब तुमने 420 कहाँ से लाया था, क्योंकि अब इससे इजी कैलकुलेशन क्या ही होगा, किसी ने 420 बोला था ना कि 1/420, वो क्यों आया था, क्या करे थे, चलो कुछ भी करे, ये आ गया अल्फा। नेक्स्ट काम क्या है तुम्हारा, आर नॉट निकालना, तो किसी में पुट कर दो, इसमें अल्फा पुट कर दो या इसके नीचे वाले में पुट कर दो, जो तुमने पसंद है, नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन दोनों क्या बता देंगे, दोनों तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे।
मैंने क्या लिया, मैंने कुछ अलग ले लिया क्या? नहीं तो इनिशियल से ही कैलकुलेट करना, ये जो फॉर्मूला है ना ये रेफरेंस से कैलकुलेट करना, इसमें मत कर देना कि सर यहाँ 100 पुट कर दिए फिर यहाँ R1 पुट कर दिए, ये जो फॉर्मूला था ये रेफरेंस है और रेफरेंस कहाँ सेट है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो तुम अपने मन से ये मत कर देना कि सर डेल्टा टी जो आ रहा है ना, अब डेल्टा टी वाला टर्म ऐसे पुट कर देंगे 100 माइनस 20 कर लेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से सेट हुआ है, 0 से 0 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें है। तो जब भी इस फॉर्मूला में कुछ पुट करेंगे ना तो किसके रेस्पेक्ट में पुट करेंगे, 0 के रेस्पेक्ट में पुट करोगे, वो कभी ऐसे पुट मत करना ना, वो समझ गए मैंने तुमने क्या करा, तुमने करा होगा 3.75 बराबर 1.51 अल्फा इंटू 80, इससे करोगे गलत होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने बोला ना ये पहले ही तो अजम्पशन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि अल्फा जो होता है ना वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अल्फा कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब भी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो रेफरेंस कहाँ लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से लेंगे और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? अब पुट कर दो, इस वाले में अगर पुट करोगे तो 3.15 R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/400 × 20, कितना होगा 20, तो R0 जो होगा यहाँ पे 20 21 20 × 315 / नीचे आएगा 21। और इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, आर नोट जो होगा इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3 क्या, तो वो तो मिल ही जाएगा। अब तुम जो कर रहे हो उससे 4 कितना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा ना, 0.0023 आ रहा है। गलती कब होगा ना जब लास्ट डिफरेंस दे देगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं इस तरीके का यूज करते हैं। एक और लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन सीधे दे दे रहा हूँ, T1 T2 T1 greater than T2 T1 less than T2, ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का, B versus I, दो ग्राफ दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ टेम्परेचर T1 और इधर लिखा हुआ टेम्परेचर। T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T2 greater than T1। सर ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 ये ग्राफ T1 पे प्लॉट कराइए, ये ग्राफ T2 पे प्लॉट कराइए। ऑप्शन 2, पहले तो ये देखो I वर्सेस V है, तो ये स्लोप इसका जो होगा वो स्लोप जो होगा वो रेसिस्टेंस देगा या इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस देगा, इनवर्स देगा। तो देखो मान लो ये T1 है, इसके कोरस्पोंडिंग रेसिस्टेंस होगा R1 और ये T2 है, इसके कोरस्पोंडिंग रेसिस्टेंस होगा R2, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ये तो पता है ना। तो तुम T1 T2 में रिलेशन पता करने से बढ़िया क्या रिलेशन पता कर लो, R1 R2, क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या रिलेशन दे देगा, टेम्परेचर का रिलेशन दे देगा और यहाँ का जो स्लोप होगा
इस ग्राफ के लिए आई वर्सेस वी, वी वर्सेस आई दिया रहता तो स्लोप क्या होता, रेसिस्टेंस के बराबर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें स्लोप किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। अब बताओ इसमें किसका स्लोप ज्यादा, 1 का, थीटा 1 ज्यादा या थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है, यानी दूसरे 1 का स्लोप जो उल्टा मैंने लिख दिया तो इसको चेंज कर दो, ये 1 और इसके लिए क्या है 2, तो थीटा 1 जो है इट इज ग्रेटर देन, क्योंकि अगर स्लोप देखोगे स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन व्हाट, स्लोप ऑफ 2 ऐसा, तो इसके चलते अब क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस 1 विल बी लेस देन व्हाट, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का इनवर्स है कौन, रेसिस्टेंस, तो अगर स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 देन रेसिस्टेंस ऑफ 1 विल बी लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ 2, और यही रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी होगा, T1 इज लेस देन T2, तो थर्ड करेक्ट। एक छोटा सा सवाल बच्चों वाला, बता ही चुके हैं, बस उसको कॉपी में दिखे करवा दे रहे हैं, उसके बाद नहीं दो करेंगे, एक और करेंगे फिर चलेंगे लिखना। अरे नहीं अब खत्म, कितना टाइम हो रहा है, 25, हाँ खत्म हो जाएगा अभी, दो करेंगे, छोटे छोटे दोनों सवाल है, 5-5 मिनट के हैं, लिखना रेसिस्टेंस ऑफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिख लो, जल्दी छूटोगे, रेसिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट, रेसिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट, रेसिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस, एट 150 डिग्री सेल्सियस, एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम, इज 133 ओम, फुल स्टॉप, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस एट, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, एट 500 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.0045 पर सेंटीमीटर डिग्री। जी सर उधर या बाहर, होगा 226, 226 नहीं,
क्या गलती कर रहे हो? आर नॉट कैलकुलेट करे हो? टू सिक्स सिक्स ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? 266 थोड़ा पास है, अप्रोक्सीमेटली हाँ ठीक है, उसके आसपास है जो बुक में दिया है, देखेंगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। 230 वाला तो बहुत ही कम है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम। आर नॉट कर रहे हो कैलकुलेट? हाँ ठीक है, आर नॉट कैलकुलेट कर सकते हो या फिर रेशियो ले सकते हो, कट जाएगा तो आर नॉट उससे भी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा उससे? रेशियो ले वो, आर नॉट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर रेशियो लोगे, रेशियो नहीं लोगे तो फिर आर नॉट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो इक्वेशन बना लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो गलती होता है ना वो बता देते हैं, जैसे इस टाइप का जब सवाल बच्चों को दिखता है ना तो वो क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यूज करेंगे, और इसमें करेंगे क्या ना, ये कैलकुलेट करना होगा, मान लो ये टेम्परेचर कब दिया था 500 पे, ये कैलकुलेट करना है, इसको रख देंगे कितना, अभी जो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कितने पे, हाँ 133 रख देंगे, और यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसा पुट करेंगे 500 माइनस 150, जो कि क्या है गलत आएगा। यहां से एक बार कैलकुलेट करके जस्ट बताओ आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो तो आंसर कितना हो रहा है बता दो, कैलकुलेटर से जल्दी दहाई दे करके बता दो, 133 इंटू 1 प्लस अल्फा कितना है 0.0045 इंटू, हाँ अल्फा ये रखना पड़ेगा ना, तो ये होगा तुम्हारा 350। अब इसको करना, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना, ये अंदर वाला पूरा 2.7 कैसे हो सकता है, बाहर 133 है, ये तो 1 तो ऐसे ही प्लस है ना, 133 से ज्यादा ही आंसर होगा, 133 से कम कैसे हो सकता है? अरे ये जल्दी से इतना कैलकुलेट कर लो और प्लस 1 करके 133 से मल्टीप्लाई कर दो, 342 3 सर 260 आ रहा है, इस वाले का 340 आ रहा है ना, जो कि जो गिवन ऑप्शन है, मतलब जो भी तुम्हारा गिवन आंसर है उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो गिवन आंसर है वो अप्रोक्सीमेट 260 के, हाँ ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 260 के पास है, लेकिन अगर तुमने ये कैलकुलेट कर दिया हड़बड़ी में, अगर ऐसे कैलकुलेट कर दिया तो आंसर कितना आएगा 340। अब देख लो इसमें कितने का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही लार्ज डिफरेंस है, तो ये जो चीज है ना ये मिनिमाइज होता है, लेकिन कब, जब ये गैप कम दिया हो, जैसे ये गैप अगर कम होता ना तो इसमें जो डिफरेंस होता वो क्या होता, कम होता, लेकिन जैसे लार्ज गैप वाला क्वेश्चन दे दिया तो ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर दिया ना तुमने बिना रेफरेंस का सोचे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा 250 से, जिसका भी रेंज आ रहा है 250 से लेकर के 270 के बीच में, वो अपने आप को सही मान लेना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, दो इक्वेशन लिखेंगे, दो इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, आरटी का जो फॉर्मूला है उसका रेफरेंस लेंगे, तो आर टी जो होगा कितना होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब पहले वाले के लिए तो 133 बराबर किसके होगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दो 0.0045 इनटू टेम्परेचर 150, और कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है वो आर नॉट 1 प्लस 0.0045 इनटू 500, ये करना है तुमको। सो अगर इसका रेशियो लोगे, इसका रेशियो लोगे तो आर नॉट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आर नॉट यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट कर दो, वो एक तरीका है। तो आर जो होगा इट विल बी हाउ मच, 133 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0045 इनटू 150, और इससे मल्टीप्लाई कर दो कितने से, ये जो वैल्यू है 1 प्लस 0.45 इंटू 500, इसको सिंप्लीफाई करना, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो गैप कम दिया हो यूज कर लो, गैप कम देगा तो यूज कर लो, जैसे गैप दे दिया 50 का, गैप दे दिया अप टू 100 भी अगर गैप दे रहा है ना, तो मे बी ऑप्शन में जो होगा डिफरेंस अगर ज्यादा होगा
तो तुम टिक करोगे, चांसेस है कि सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देख लो, और कितने का टेम्परेचर डिफरेंस है, 350 का टेम्परेचर डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फिर वैसे नहीं करेंगे, फिर इस मेथड से करोगे, सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली 260 के आसपास आएगा। चलो एक जल्दी से छोटा सा 2 मिनट का कर लेंगे, फिर खत्म। लिख लो, फाइंड। अच्छा ये तुम लोग को पता था? अरे रुपया, छोटा सा ये लिखा दे रहे हैं, उसके बाद खत्म ही है। फाइंड देखो, अभी सवाल देख के ही तुमको पता चलेगा कि आंसर हमको पहले से पता है। कुछ इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सब तुम ही कर दोगे। फाइंड फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इफ 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 लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस, या इफ लेंथ ऑफ द वायर, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 4%, बी 40%। ये इसलिए कर रहे क्योंकि कॉपी में दिखा, थोड़ा दिखेगा कि हाँ इस पे भी एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चों वाला खेल है। ए कितना है? 4%। बी में जो चेंज हुआ कितने का हुआ? 40%। हाँ 40% का चेंज हुआ, तो फिर रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? पहले वाले के लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, एरर वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस देन 10 है। जब भी लेस देन 10 होता है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा आर परसेंटेज इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 8%। और ये जो है इट इज ग्रेटर देन 10 है, तो डेल्टा आर परसेंटेज जो होगा उसके लिए क्या करोगे, 2 × 40 तो होगा ही, प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 88 + 60 = 96%। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, जाके नाच लो जल्दी से, डीजे बज रहा है, पुष्पा अभी लगा देंगे, तो जाओ जाओ लगाओ उसको, बोलो कि पुष्पा वाला बजाए, श्रीवल्ली गाना बजा के सुनते रहो। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। वो भी सुन लो यार, जो मन करे वो सुन लो।